जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग बढ़ती जा रही है और इस जंग के बीच रशिया एक के बाद एक अपना हमला यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब रशिया को दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर एक बार फिर से खबर सामने आ चुकी है। दरअसल यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट क्या होगा, इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि गलती से कर दिया है बेलारूस के प्रेसिडेंट ने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ने खोल दिया है राज कि आखिर यूक्रेन के बाद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का अगला टारगेट कौन होगा या फिर क्या होगा। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के हमले को लेकर अमेरिका और पश्चिम देश भले ही रूस और राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ लामबंदी कर रहा हो, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस के साथ है, यानी कि मॉस्को का समर्थन कर रहे हैं। पुतिन के सहयोगी की बात करें तो इस सूची में पहला नाम बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर का आता है, जिन्होंने हमले का ऐलान होते ही अपनी सीमाएं पुतिन के टैंकों के लिए खोल दी थी। दो देशों के बीच जारी घमासान के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति का वीडियो वायरल हुआ, जिसका टेलीकास्ट टीवी पर किया गया। इस वीडियो के में कहा जा रहा है कि यूक्रेन को फतेह करने के बाद पुतिन का अगला टारगेट मोल्दोवा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि भले ही अब तक लड़ाई में बेलारूस सीधे तौर पर सामने ना आया हो, लेकिन हाल ही में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने इस बात का दावा किया कि उनके देश के खिलाफ युद्ध में बेलारूस खुलकर मैदान में आ चुका है। बेलारूस के 300 टैंकों की तैनाती के साथ उसके लड़ाकू विमान भी इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति एक मीटिंग के संकेत भी मिले। पुतिन की सेना अगले चरण में मोल्दोवा पर अटैक करने की तैयारी में है। दरअसल अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ अहम बैठक के दौरान इस पर चर्चा की और मैप की तरफ दिखाते हुए अपनी रणनीति की अनाउंसमेंट की। इस दौरान वो मिलिट्री ऑपरेशन को चर्चा कर रहे थे और इस नक्शे में रूस, बेलारूस, यूक्रेन और यूरोपीय देशों की सीमा और सेंट्रोस पे निशान लगाए और स्टिक से एक पॉइंट को ब्रीफ कर रहे थे। इसी दौरान नक्शे पर मोल्दोवा की लोकेशन भी नजर आई। दरअसल वॉर मैप पर दिख रही ये वो तमाम जगहें हैं जहां रूस की सेना हमला कर चुकी है या ऑपरेशन पूरा करके आगे बढ़ रही है। नक्शे में नॉर्थ डायरेक्शन से कीव और क्रीमिया की खॉर्सोन की ओर से मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये है पूरी खबर, जहां पर यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट कौन होगा, इसका खुलासा खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने किया। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर बेलारूस के राष्ट्रपति ने किया खुलासा, बताया कि यूक्रेन के बाद अब पुतिन का अगला टारगेट क्या होगा, उससे पहले ही हो जाए तैयार और रहे सावधान। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।